नमस्कार दोस्तों, चार्ट ऑफ द वीक की एक और नई एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दो वीकली ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिन स्टॉक्स में आप थोड़ा लॉन्ग टर्म का व्यू रख के एक अच्छा प्रॉफिट बनाना चाहते हो, तो ये वीडियो में आप लोग के लिए ये स्टॉक्स मैं लेके आया हूँ। इन स्टॉक को एक ट्रिपल बॉटम हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक ब्रेकआउट लेवल के जस्ट पास यह स्टॉक्स यहाँ पे खड़ा है, और एक स्टॉक्स में हम आगे देखने वाले हैं बहुत ही बिग बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है, और ये स्टॉक्स 2017 का लेवल को भी इसने ब्रेकआउट किया है, यानी कि 2017 यानी 7 साल का ब्रेकआउट इस स्टॉक में भी देखने को मिला है। तो दोनों स्टॉक को हम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, और ये थोड़ा हमें लॉन्ग टर्म का नजरिया अगर आप लोग देख के चलोगे तो काफी अच्छा रिटर्न ये स्टॉक दिखाना के दे सकता है। तो जरूर इस स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करें और इसको थोड़ा स्टडी भी करें, ताकि आपको आगे आने वाले टाइम में आपको काफी हेल्पफुल हो सकता है और एक अच्छा रिटर्न गेन करके दे सकता है। तो चलिए देखते हैं कौन सा आज का हमारा चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक है। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप लोग तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा चार्ट ऑफ द वीक का फर्स्ट स्टॉक जो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 7% की यहाँ पे बढ़त देखने को मिलेगी यहाँ पे आज के दिन में, फ्राइडे को आज ये वीडियो बना रहा हूँ, और 432 का इसका क्लोजिंग भाव है। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का आपको चार्ट यहाँ पे हम देखेंगे आगे। मार्केट कैप की बात करें इस स्टॉक का तो 182,000 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है, उससे ज़्यादा है। ठीक है, करंट प्राइस आप यहाँ पे 4.32 का है, और अभी हाई 52 वीक हाई एंड लो की आप बात करें तो जस्ट ऑफ यहाँ पे क्लोजिंग मिली हमें हाई के आसपास, और लो 285 का है। और भी आप डिटेल से एनालिसिस चाहते हो यहाँ पे तो आप स्क्रॉल करके इसको पूरे डिटेल से स्टडी कर सकते हो आपको यहाँ पे, तो इसको जरूर आप अपने इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। अब चलते हैं इसका चार्ट के ऊपर, हिंदुस्तान का जिंक लिमिटेड का चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे तो काफ़ी जोरदार यहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने को मिला, और यहाँ पे देखेंगे 2016-17 का ये रेजिस्टेंस जोन था, इसको इसने ब्रेक किया। यहाँ पे देखेंगे मल्टीपल टाइम ये स्टॉक्स अपने आप को इस लेवल के आसपास आता है, और यहाँ पे प्राइस रिजेक्ट होता है और फिर नीचे आता है, फिर एक बार यहाँ पे आया, यहाँ पे देखिए रिजेक्ट हुआ, फिर नीचे आया, कम से कम यहाँ पे 4 से 5 बार रिजेक्शन हुआ और फिर नीचे आता है। लेकिन अब की बार देखिए कितनी बड़ी कैंडल से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। अभी सॉरी मैं आप लोग को बताना भूल गया, ये वीकली नहीं मंथली चार्ट है, अभी हम लोग वीकली चार्ट के ऊपर भी जाके देखेंगे, लेकिन ये मंथली में आपको दिखा रहा हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप इसको देखोगे तो बहुत ही शानदार ये ब्रेकआउट यहाँ हुआ है। और यह मंथली चार्ट आप देख रहे हो तो इसमें वॉल्यूम आप देखेंगे जबरदस्त वॉल्यूम है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ मंथली में, मंथली में देख क्लियर कट आपको यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो इसको थोड़ा हमें रिट्रेस होने देना है। देखिए यहाँ पे कम से कम 47% की एक कैंडल बनी है, यानी कि 47% जो काफी होता है। अभी इसको यहाँ पे बाइंग करोगे तो बहुत ही रिस्की है, तो इसको थोड़ा हमें वेट करना, एक बार यहाँ पे रिजेक्ट यहाँ पे रिटेस्ट होता है और देन यहाँ से एक अच्छी मूव आ सकती है, तो यहाँ पे कोई ना कोई अच्छी कैंडल बनेगी तब हम यहाँ पे एक एंट्री प्राइस बना सकते हैं। अब चलते इसका चार्ट देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम में, तो थोड़ा हम थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम में चलते हैं और देखते हैं इसमें हमारी कहाँ पे एंट्री बन सकती है। तो ये रहा वीकली टाइम फ्रेम हमारा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का, तो यहाँ पे देखिए कितनी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस इस स्टॉक को मिला है। अब जाके इसने किस कैंडल ये वीक्स बनी हुई है, वीक्स के ऊपर क्लोजिंग देने में यहाँ पे काफी यहाँ पे मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन अब एक की बार इसने इस वीक में अच्छी क्लोजिंग भी मिली है और हाई वॉल्यूम के साथ में भी मिली। ठीक है, तो अभी आगे हम यहाँ पे देखिए ये स्टॉक्स काफी ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग मिली है, तो हमें एक बार 300 लगभग लगभग ये स्टॉक 370 और 390 400 के आसपास कहीं ना कहीं आपको मिलता है रिटेस्ट, तो हम यहाँ पे एक बाइंग के लिए देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से थोड़ा सा हमारा स्टॉप लॉस छोटा रहेगा और यहाँ पे एक अच्छी अप मूव देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे 370 के आसपास आपको हमारी बाइंग की प्राइस होगी। फर्स्ट जो हमारा टारगेट रहेगा हमारा 435 का रहेगा, सेकंड टारगेट 600 का रहेगा,
स्टॉप लॉस 340 का 340 का लगाएंगे, जो कि आपको कहेंगे ये लो आपको स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। और आपको ये टारगेट के लिए होल्ड करना, काफी अच्छा बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे इस स्टॉक में हुआ है, तो इसके ऊपर भी आप नजर बनाए रख सकते हो। अगला जो हमारा स्टॉक्स हम देख रहे हैं वो है सिंगिंग इंटरनेशनल लिमिटेड। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ट्रिपल बॉटम यहाँ पे बना है, एक डब्ल्यू पैटर्न का हम लोग फॉर्मेशन कहते हैं ट्रिपल बॉटम। यहाँ पे 3 बार ये बॉटम बना चुका है और यहाँ पे एक स्नेकलाइन के आसपास आया है, जस्ट ऑफ ब्रेकआउट के आसपास, लेकिन ब्रेकआउट हुआ नहीं है हमारा। जस्ट इस नेक्स्ट वीक में ब्रेकआउट होता है तो हम यहाँ पे एक बाइंग लेवल देख सकते हैं, जो कि हमारा निकल के आ रहा है यहाँ पे सिंगिंग इंटरनेशनल लिमिटेड में 765 के ऊपर निकलता है, जो कि इसकी वीक के हाई के ऊपर, तो हम यहाँ पे बाइंग के लिए देख सकते हैं। देखिए प्रीवियस एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद में एक अच्छी अप मूव देखने को मिली, उसके बाद में एक अच्छी गिरावट आई और यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन भी इसमें देखिए बॉटम आउट हुआ है और यहाँ पे ट्रिपल बॉटम यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है और इसका ब्रेकआउट होता है तो हम यहाँ पे बाइंग के लिए देख सकते हैं, जो कि निकल के आ रहा है हमारा 765 की हमारी बाइंग प्राइस होगी। फर्स्ट टारगेट होगा 800 का, सेकंड टारगेट होगा 905 का होगा, जो स्टॉप लॉस रहेगा हमारा वो रहेगा यहाँ पे 725 का रहेगा, जो कि इस कैंडल के लो के नीचे कहीं के आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। आपको फर्स्ट टारगेट आपको यहाँ पे ये लेवल रहेगा, इसके ऊपर निकलता है तो फिर आपको ये 900 के टारगेट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा स्विंग ट्रेड, सॉरी चार्ट ऑफ द वीक का स्टॉक्स। कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के मकसद से बनाई गई है, इसमें मेरी कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है बाइंग सेलिंग करने की। जो भी खरीदारी बिकवाली करते तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।